एक्सरसाइज थ्री पॉइंट ट्वेंटी सेवन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर थ्री पॉइंट टू एट ये मेरे पास फिगर थ्री पॉइंट टू एट है इसमें मुझे एक कॉन्स्टेंट डायरेक्शन की तरफ पार्टिकल की मूवमेंट दिखाई गई है Obtain the द डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड the particle बिटवीन फर्स्ट ऑप्शन में जीरो टू टेन सेकेंड अब मुझे बताना है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पहले पार्ट में जीरो से लेके टेन सेकेंड तक पार्ट में टू सेकेंड टू सिक्स सेकेंड एंड आल्सो वट इज द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ओवर द इंटरवल ए एंड बी और मुझे इंटरवल ए और बी में इसकी एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी है सो so, पहले हम देखते हैं कि जो मेरा ग्राफ है और जो प्लॉट है वो है स्पीड वर्सिस टाइम में वी नो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज गिवन बाय द एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ सो फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट कर देते हैं विद ऑप्शन ए सो मेरे लिए यहाँ पे इंटरवल क्या टाइम का ज़ीरो टू टेन सेकेंड तो हम ग्राफ को देखते हैं टाइम एक्सिस मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ज़ीरो टू टेन सेकेंड अब आप फिगर को ध्यान से देखें तो आपके पास एक ट्रेंगल आती है ज़ीरो से लेके टेन सेकेंड जिसका बेस मेरे पास आ गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम एक्सिस पे तो हाइट मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ वर्टिकल एक्सिस स्पीड वाली एक्सिस से सो so, इसकी हाइट कितनी आएगी अगर मैं एक रफली ड्रा करूँ सो दिस विल बी आवर हाइट से एच ये मेरी हाइट आ जाएगी और ये मेरा आ जाएगा बेस सो वी आल नो दैट एरिया ऑफ ट्रैंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इन टू हाइट सो ये एरिया इस ट्रैंगल का है तो ये एरिया मुझे क्या बताएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिटवीन जीरो टू टेन सेकेंड जो भी इसका इंटरवल होगा सो so, यहां पर लेते हैं लेट एक्स बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय दार्टिकल बिट्वीन टी जीरो सेकेंड टू टी टेन सेकेंड So, इसका बेस टेन माइनस जीरो फाइनल माइनस इनिशियल तो टेन आ गया एंड हाइट ट्वेल्व सो मेरे पास जो एक्स है मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हाफ इनटू बेस बेस मेरे पास कितना आ गया टेन यहां पे मेरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस किस में में टेन सेकंड इन वर्टिकल एक्सिस मेरे पास यूनिट्स के मीटर पर सेकंड और वैल्यू ट्वेल्व सो हाइट की वैल्यू एच की ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड सो सेकेंड से पर सेकेंड कैंसल सो टू से लेट सिक्स टेन सिक्स सिक्सटी सो एक्स कम्स आउट टू बी माई सिक्सटी सिर्फ क्या बचा मीटर सो फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया जहाँ पे कि 60 मीटर मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है बिटवीन 0 टू 10 सेकेंड्स सो नेक्स्ट थिंग उसने हमें पूछा है एवरेज स्पीड सो एवरेज स्पीड वी नो दैट एवरेज स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन सो डिस्टेंस कवर्ड हमने किया था 60 मीटर टाइम टेकन 10 सेकेंड्स सो so, 10 सेकेंड्स सो so, मेरे पास कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड सो हम कह सकते हैं कि मेरी एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी सिक्स मीटर पर सेकेंड सो दिस इज आंसर एंड दिस इज आल्सो आंसर ऑफ ऑप्शन ए अब हम बी ऑप्शन स्टार्ट करते हैं तो बी ऑप्शन में हमें क्या कहा गया है टू सेकेंड टू सिक्स सेकेंड पहले मैं ग्राफ पे ट्रेस करूंगा कि टू और सिक्स सेकेंड को मैं ट्रेस करके देख लूं। तो यहां पे कहीं मेरे पास टू सेकेंड आएगा ठीक है और यहां पे कहीं मेरे पास सिक्स सेकेंड आएगा टाइम एक्सिस पे सो so, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहां पे वैल्यू चाहिए स्पीड की और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहां पे वैल्यू चाहिए स्पीड की जो हम फाइंड करना चाहेंगे अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसे समिट्री बनाने की कोशिश करूं लाइक जीरो टू सिक्स सेकेंड हम रेड से डिनोट कर देते हैं लाइक like, अब जैसे हमने पहले कहा था कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो अब अगर इन पॉइंट्स को मेरे पास ट्रेस करूं तो मेरे पास फिगर आ रही है मुझे इसका एरिया निकालना है ये कोई मेरे पास रेगुलर मैटेरियर तो है नहीं जिसका एरिया मुझे किसी प्री डिफाइंड फार्मूले से पता हो तो अब इसे करने के दो मेथड है फर्स्ट इसे मैं सिंप्लीफाई करने के लिए दो जोमेट्रिक्स में ब्रेक कर लूंगा जिसका मुझे प्री डिफाइंड फार्मूला मालूम हो एरिया का सेकंड मेथड जो मेरे पास मोशन ऑफ इक्वेशंस है मैं उसे यूज करके इसको फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया लाइक इक्वेशन ऑफ मोशंस जो मेरे पास तीन आई थी वी एक्स और वी स्क्वायर में हमें गिवन है आप फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं मैं इस फिगर को दो ट्रिपिजम में ब्रेक कर लूंगा फिर उन ट्रिपिजम का एरिया फाइंड कर लूंगा और उन ट्रिपिजिम के एरियाज को सम करूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया का सम आ जाएगा वो मुझे बताएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन दिस पर्टिकुलर टाइम टू टू सिक्स सेकेंड्स अनदर वे हमारे पास क्या है कि अगर हम एरिया नहीं फाइंड करना चाहते तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं देखते हैं बाई यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रांसफर्स इन दिस पर्टिकुलर सेकेंड फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगा मैं यहाँ पे जो मेरा इंटरवल है टू सेकेंड टू सिक्स सेकेंड मैं इसको ब्रेक कर लूँगा लाइक like, इसे ब्रेक कर लूँगा लाइक like, अब मैं डायग्राम से देखूंगा टू टू फाइव क्यों मैंने टू टू फाइव ही क्यों ब्रेक किया ज़ीरो टू फाइव सेकेंड तक एक लाइन है जो कांस्टेंट रह रही है आ कांस्टेंट लाइन उसके बाद इसका स्लोप चेंज कर रहा है स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सरेशन तो आप कह सकते हैं कि जीरो टू फाइव सेकेंड तक मेरी एक्सरेशन कॉन्स्टेंट रह रही है सो so, मैंने फर्स्ट इसे ब्रेक कर लिया टू टू फाइव सेकेंड टू सेकेंड टू फाइव सेकेंड फर्स्ट ब्रेक एंड सेकेंड ब्रेक मैंने कर लिया अब देखिए फाइव सेकेंड से लेके अब यहाँ पे मेरी स्लोप भी कांस्टेंट रह रही है सेम स्लोप ट लाइन अप टू टेन सेकेंड सो मेरा इंटरवल क्या था फाइव टू सिक्स से सेकेंड सो so, फाइव सेकेंड टू तो सिक्स सेकेंड अब मैंने इसे फर्स्ट इंटरवल को क्या कर लिया ब्रेक इंटू टू टाइम इंटरवल्स टू टू फाइव सेकेंड फाइव टू सिक्स सेकेंड्स अब मैं जहां पर देखूंगा टू टू तो फाइव सेकेंड अब हमें इक्वेश ऑफ मोशन मालूम है अगर मुझे इनिशियल स्पीड या इनिशियल वलॉसिटी अब इस पॉइंट की बात करूँ क्योंकि मेरा इंटरवल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से तो अब मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया अगर मुझे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी या स्पीड मालूम है तो आगे मुझे मालूम है कि एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट रह रही है तो आई कैन ईजिली फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल सो फर्स्ट अब यहाँ पे मैं इसकी स्लो फाइंड कर लेता हूँ जीरो टू फाइव सेकेंड की लेट इसको मैं ए वन मान लेता हूँ सो जीरो टू फाइव सेकेंड की अब मैं बात कर रहा हूँ सो लेट स्लोप ए वन सो स्लोप का फार्मूला हमें होता है चेंज इन वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस और चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस सो यहाँ पे मुझे वैल्यूम वैल्यूम कितनी आ रही 12. So, 12. So, है ट्वेल्व सो सो टू टीरोकेंड है तो इनिशियल मेरे पास क्या आ गया जीरो फाइनल माइनस इनिशियल जीरो ओवर टाइम टेकन फाइनल टाइम फाइव इनिशियल टाइम जीरो सो मेरी एक्सरेशन कम्स आउट टू बी टू पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्केयर फॉर इंटरवल जीरो टू फाइव सेकेंड अब यही स्लोप मेरी कांस्टेंट है तो टू टू फाइव भी मेरी यही स्लोप चलेगी अब मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है वेलोसिटी लेट यहाँ पे मैं इसे रख लेता हूँ वी वन का नाम फॉर दिस पर्टिकुलर तो अब ज़ीरो से टू इंटरवल देखिए ज़ीरो से टू इंटरवल सो लेट दिस इज माई वी नॉट दिस इज माई वी वन अब मुझे क्या फाइंड करना है वेलोसिटी v1, v1 is equal to v0 plus a1 क्योंकि अभी हम इस स्लोप की बात कर रहे हैं 0 टू 5 सेकंड में सो so, a1 वन इन टी सो टाइम पीरियड भी हमें मालूम है कि टाइम पीरियड यहां पे मेरा कितना चेंज हो रहा है t की वैल्यू कैसे आएगी क्योंकि अब मेरे पास t कहां से कहां चेंज हो रहा है 0 टू 2 सेकंड, ठीक है तो ये पर्टिकुलर की बात हो रही थी जीरो से टू सेकेंड सो टू माइनस जीरो इट कम्स आउट टू बी टू सेकेंड इस इंटरवल में टाइम कितना लग रहा है मेरे पास टू सेकेंड सो मेरी टी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी टू सो so, वी नोट हमने फाइंड करना है वी नोट हमें मालूम है वी वन फाइंड करना है वी नोट हमें मालूम है जीरो प्लस स्लोप हमने निकल दी टू पॉइंट फोर टाइम कितना लग रहा है टू सेकेंड सो माई वी वन कम्स आउट टू बी फोर पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड सो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है हम अगर बात करें वी वन की तो इट्स कम्स आउट टू बी फोर पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के अकॉर्डिंग स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे पास कितनी आ रही है फोर पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड नाउ वी वन की वैल्यू पता लग गई है फोर पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड एंड मेरे पास एक्सरेशन की वैल्यू भी लेट ए वन हमने मानी थी कि जो मेरी इंक्रीजिंग लाइन है कॉन्स्टेंट लाइन है इसकी एक्सेलरेशन आ रही है 2.4 मीटर पर सेकंड स्केयर एंड टाइम इंटरवल हम यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि हमें टू से फाइव में निकालना है ठीक है टू टू फाइव सो टाइम इंटरवल टाइम की वैल्यू टाइम इंटरवल मेरे पास क्या है टू टू फाइव सो मेरा टाइम कितना आ जाएगा फाइव माइनस टू मीन्स थ्री सेकेंड अब मुझे यहाँ से फाइंड करना है कि मेरे पास v1 की वैल्यू भी है एक्सरेशन की वैल्यू भी है टाइम की वैल्यू भी है क्या मैं किसी फार्मूले से डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर सकता हूँ यस yes, अगर मैं लेट इसे मान लूँ x1 वन माई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू टू फाइव सेकेंड तो माई फार्मूला विल बी x1 वन इज इक्वल टू वी वन टी वन प्लस हाफ ए वन टी वन सो यहाँ पे हमने टी वन का नाम दे देते हैं इस टाइम को सो लेट इट भी यहाँ पे टी वन जो मेरा टाइम लग रहा है क्यों अब मेरा वी वन इनिशियल पॉइंट हो गया तो मुझे टाइम मालूम है जब मेरी एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी मतलब थ्रू आउट कॉन्स्टेंट मतलब फाइव सेकेंड तक कॉन्स्टेंट रहेगी तो ये मुझे डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू बता देगा फार्मूला सो इसमें हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं सो एक्स वन इज इक्वल टू फोर पॉइंट एट थ्री इन टाइम थ्री प्लस हाफ ए टू पॉइंट फोर इन थ्री स्केयर अब इसकी कैलकुलेशन जब हम फाइनल कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्सिसक्ल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू मीटर क्लियर अब सेम वे से हमें x2 टू फाइंड करना है सो टू फाइंड x2 अब देखिए यहां से मेरी स्लोप चेंज हो गई है सो लेट दिस स्लोप विल बी a2 चेंज इन वर्टिकल एक्सिस ओवर चेंज इन हॉरिजोटल एक्सिस तो यहां पे मैं फॉर टाइम इंटरवल ले रहा हूं फाइव टू टेन सेकेंड के बीच में मेरे पास क्या क्या चेंज हो रहा है क्लियर सो so, यहां पे फॉर फाइव सेकेंड तो अभी टेन सेकेंड की बात कर लेते हैं एक्सरेशन निकालने के लिए सो इट टू चेंज सो माई फाइनल स्पीड कितनी जीरो माइनस इनिशियल स्पीड कितनी थी मेरी ट्वेल्व फाइनल टाइम टेन इनिशियल uh, टाइम 5, सो माइनस फाइव सो इट कम्स माइनस ट्वेल्व बाई फाइफ सो इट्स कम आउट टू बी माइनस टू मीटर पर सेकंड स्केयर सो मेरी एक्सरेशन आ जाएगी 5 टू 10 सेकंड नेगेटिव में नेगेटिव मतलब डिक्रीज होना सो so, अब अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है लाइक फाइंड एक्स तो मेरे पे फार्मूला क्या आ जाएगा अब लेट इसे मैं मान लेता हूँ जो मेरा पास ट्वेल्व है लेट इट वी वी टू ठीक है तो ये मेरी वी टू है ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी जैसे मैंने आपको पहले कहा था सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करने के लिए मुझे बस इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और टाइम इंटरवल चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है फाइव टू टेन सेकेंड तो फाइव टू सिक्स सेकेंड भी यही एक्सेलरेशन रहेगी ए टू जो हमने फाइंड की है सो so, अब मैं ईजिली फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पहले ट्वेल्व अब क्या बन गया मेरे पास इनिशियल स्पीड और एक्सरेशन ए टू हमने फाइंड कर ली और टाइम इंटरवल हमें मालूम ही है सिक्स टू फाइव मतलब इनका डिफरेंस करे पे वन सेकेंड में हमें फाइंड करना है सो so, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ से एक्स टू वी टू टाइम टी टू प्लस हाफ ए टू टी टू स्केयर सो यहाँ पे आप टी टू की वैल्यू इंटरवल मेरे पास कितना है सिक्स फाइव टू सिक्स इंटरवल फाइव टू सिक्स तो सिक्स माइनस फाइव मेरे पास टाइम बता देगा वन सेकेंड कि इस इंटरवल में मुझे यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ फाइंड करना है सो वी टू थी ट्वेल्व टाइम इंटू वन प्लस हाफ एक्सरेशन माइनस टू पॉइंट फोर इंटू वन का स्केयर ये तो वन ही रह जाएगा एक्स टू अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं एक्स टू की वैल्यू आ रही है टेन पॉइंट एट मीटर बिटवीन इंटरवल तो ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया बिटवीन इंटरवल फाइव सेकंड टू सिक्स सेकेंड के बीच में ये ये मेरा मेरा डिस्टेंस डिस्टेंस हुआ हुआ तो हुआ था टू टू फाइव सेकेंड में दिस डिस्टेंस ट्रेवल इन माई टू टू फाइव सेकेंड एंड दिस डिस्टेंस ट्रेवल इन फाइव टू सिक्स सेकेंड अब अगर दोनों का सम कर लू ठीक है सो टोटल डिस्टेंस ठीक है, लेट हम इस केस में एक्स मान लेते हैं ये कितना आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू सो ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू प्लस टेन पॉइंट एट इट कम्स आउट टू बी थर्टी सिक्स मीटर सो मेरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया थर्टी सिक्स मीटर एंड एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड बिटवीन इंटरवल टू टू सिक्स सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल थर्टी सिक्स मीटर एंड टाइम टेकन अब इंटरवल क्या था मेरे पास टू टू सिक्स सेकेंड सो सिक्स माइनस टू फोर लाइक सिक्स माइनस टू सेकेंड का इंटरवल था सिक्स माइनस टू किया फोर सो थर्टी सिक्स मीटर बाय फोर इट गिव्स टू नाइन मीटर पर सेकेंड सो दिस इज माई आंसर एंड दिस इज ऑल्सो माई आंसर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब ये तो हमारा था कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रांसवर्स निकाल लिया एंड एवरेज स्पीड निकाल ली सो so, जो हमने एक मेथड और डिस्कस किया था कि एरिया भी हमें टोटल डिस्टेंस ट्रांसवर्स बता देता है क्लियर सो so, इस फिगर्स का एरिया निकालने के लिए मैं इसे स्प्लिट कर लूँगा टू ट्रेपिजियम में ठीक है वन ट्रेपिजियम एंड सेकेंड ट्रेपिजियम द मोस्ट सिंपलेस्ट ब्रेक डाउन ऑफ दिस फिगर हमें ट्रेपिजियम में हमें तोड़ सकते हैं सो so, यहाँ पे तो वैल्यू मुझे मालूम चलेगी इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे भी वैल्यू मालूम है इस पॉइंट पे भी वैल्यू मालूम है इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे भी वैल्यू मालूम है बस अब ये पॉइंट रह गया यहाँ पे मुझे वैल्यू फाइंड करनी है सो so, पहले यहाँ पे इसके नाम ले लेता हूँ लेट मैं वी थ्री अब मैं वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ वी थ्री पे ताकि अगर मैं इसे ट्रिपिजियम में कन्वर्ट करके सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इजिली कर सकूं तो अब जो मेरी वी थ्री है वो कितनी आएगी तो इस लाइन पर मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है नेगेटिव यहाँ पर हम यूज करके देख लेते हैं सो माई वी थ्री कम्स आउट टू बी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे मेरे पास कितनी थी इस v2 12 प्लस सो so एक्सेलरेशन मेरे पास कितनी आई थी माइनस टू सो टाइम चेंज कितना हो रहा है फाइव टू सिक्स सेकंड ओनली वन सेकंड इन वन सेम फार्मूला जो हमने यहां पे यूज किया था v1 फाइंड करने के लिए वेलोसिटी v3 फाइंड करने के लिए अब 12 में से अगर माइनस कर दूं 2.4 तो मेरी v3 कितनी आ रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड सो यहां पे मैं कह सकता हूं मेरी वी थ्री की वैल्यू आ गई नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड अब हमारे पास सारे पॉइंट्स गिवन आ चुके हैं तो हम देखेंगे कि हम इस एरिया को ब्रेक डाउन करके ट्रिपिजियम में से कैसे फाइंड कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड सो लाइक अब यहां से हम देखते हैं हमें मालूम है कि मेरा एरिया ऑफ ट्रिपिजियम किसके गलता है हाफ ए प्लस बी हाइट ठीक है सम ऑफ पैरलर साइट्स सम ऑफ पैरलर साइट्स इंटू हाइट मतलब जो दोनों नाइन्टीस के जो ए और बी के साथ नाइनटी एंगल बनाते हैं उसके एच ठीक है इन टू हाफ हाफ ए प्लस बी इंटू एच तो अब मैं इसी डायग्राम को ब्रेक कर लिया है यहाँ पे, ग्रीन डॉटेड मुझे टाइम इंटरवल बता रहा है टू टू फाइव सेकेंड में जब मैंने इस डायग्राम को ब्रेक किया एक ट्रिपीजियम आ जाएगा फाइव टू सिक्स सेकेंड को मैंने रेड से डिनोट किया ट्रिपजियम को यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया एरिया का सो so एरिया हमें क्या देता है डिस्टेंस कवर्ड तो ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस कवर्ड इन जीरो टू फाइव सेकेंड सो सेम इसी में भी हमने फार्मूला लगा दिया एरिया इसने मुझे दे दिया डिस्टेंस कवर्ड फाइव टू सिक्स सेकेंड इंटरवल तो ये मेरे पास आ गया टेन पॉइंट नाइन अब टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा दोनों का सम करने पर सो so, मेरे पास आ गया थर्टी सिक्स पॉइंट वन सो बिल्कुल सेम मेरे पास आ जाएगा जैसे पहले आया था कितना तो था थर्टी सिक्स और अकॉर्डिंग टू सेकेंड मैथड भी अगर हमने किया तो मेरे पास कितना रहा है थर्टी मीटर बिल्कुल सेम है थोड़ा बहुत आयरर होता ही है हम अगर टू डिफरेंट मेथड्स को यूज कर रहे हैं बिल्कुल निगलिजिबल आयरर है ये आप कह सकते हैं क्लियर सो सेम आगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ से 36 सिक्स बाय फोर ये भी मेरे पास ऑलमोस्ट 9 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा तो आप चूज कर सकते हैं आपको किस वे से करना है